मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चंदेरी विधानसभा के ईसागढ़ में आयोजित यादव समाज सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस और कमलनाथ पर जमकर हमला बोला। सीएम यादव ने कहा कि कांग्रेस को 13 महीने का समय मिला था, लेकिन गुना अशोकनगर की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन हमने 3 महीने की सरकार में 100 से ज्यादा फैसले लिए हैं। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में भाजपा ने 6 और कांग्रेस ने 1 महिला प्रत्याशी को टिकट दिया है। कांग्रेस कंजूस है और माताओं बहनों की इज्जत करना नहीं जानती। इसी क्षेत्र के अंदर केन बेतवा का तो उद्घाटन होगा ही, एक नया मेडिकल कॉलेज आपको मिलने वाला है जिसको हम अपने आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के माध्यम से जानेंगे। ये बड़ी सौगात आपके क्षेत्र को मिलने वाली, जोरदार ताली बजाओ आपके सांसद जी के लिए। जब ये योजना बन रही थी हम कहने वाले थे, सांसद जी मेरे पास थे, आपने कहा सत्तर दे दो तो खजुराहो तो नंबर वन पे खड़ा है। तो हमने कहा खजुराहो ने अपनी बात रख दी, कितने प्रचंड बहुमत से आपको जिताया, तो जो आप मांगोगे वो हम सब कुछ देने वाले हैं। भाजपा को हमेशा खजुराहो ने प्यार दिया है और हम की बार तो भारत भगवान राम के मंदिर बन गए, बनारस अच्छा हो गया, उज्जैन का महाकाल का महालोक अच्छा हो गया, अब हमको मथुरा की तरफ निगाह दौड़ाना है। बोलो कृष्ण कन्हैया।